अनुष्का healthy.com के किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम चल रहा है और हम चलिए कुछ ठंडा ठंडा बनाते हैं। आज हम बताएंगे आपको मलाई कुल्फी बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मलाई कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 1/4 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, करीब 10-15 केसर के धागे इसे हमने पानी में भिगो लिए और 4-5 इलायची का पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में या किसी भारी तले के बर्तन में हम दूध को डाल देते हैं उबलने के लिए। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तो इसे हम एकदम धीमी आंच कर देंगे और इसे 2-3 मिनट पर हर 2-3 मिनट पर चलाते रहेंगे जिससे ये उबल के बाहर ना गिरे। दूध को हमें 1/4 हो जाने तक पकाना है। ये दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, ऑलमोस्ट आधा हो गया ये। अब इसमें हम चीनी मिला देंगे, इलायची पाउडर भी मिला देंगे इसमें, और इसमें हम आधे कटे हुए जो पिस्ते थे आधे पिस्ते और बादाम मिला देंगे। और ये केसर के धागे जो हमने पानी में घोल के रखे थे इसे भी मिला देंगे। अभी इसे हमें 1/4 हो जाने तक पकाना है। अब इसे हम लगातार चलाएंगे नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ये हमारा कुल्फी का मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एकदम ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसे हम सांचे में भर के जमाएंगे। इस तरह का हमारे पास ये कुल्फी जमाने का सांचा है, इसमें हम इसे जमाएंगे। अगर आपके पास कुल्फी जमाने का सांचा नहीं है तो आप किसी भी तरह के कप में या फिर इसे ग्लास में जमा सकते हैं, फिर उसके बाद निकाल के उसको काट के सर्व कर सकते हैं। हम ये सांचे में थोड़े थोड़े पिस्ते डाल देंगे, बादाम भी डाल देंगे थोड़े, और इसमें भर देंगे ये। ये हमने जो ग्लास में जमाई है इसके ऊपर फॉइल से बंद कर देते हैं इसको। अब इसे हम कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। हमारी कुल्फी जम के तैयार हो गई है, इसे अब हम निकाल के सर्व करेंगे। हमारी कुल्फी बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फी बनी है। इस बार गर्मियों के मौसम में आप घर में बनाएं कुल्फी और सबको खिलाएं, इसका स्वाद सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।